मुलाहजा कीजिए जम्बील नामा की छप्पनवी किस्त क़ुरतुलैन हैदर की तहरीर एक तस्वीर अवध के ज़िले सीतापुर में मेरे पुप्पा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मैनेजर थे वहां पुप्पी के जनाना ड्राइंग रूम की एक दीवार पर सुनहरे मुनक्श फ्रेम में एक नौ उम्र रानी साहिबा की कद आदम रंगीन तस्वीर लगी हुई थी तस्वीर ने सचमुच के कपड़े पहन रखे थे तस्वीर को असली कपड़ों और जेवर से आरास्ता करना उस ज़माने का शायद एक ख़ास फन था क्योंकि इस तरह की एक बंगाली खातून की तस्वीर मैंने कलकत्ते में भी देखी थी भरी दोपहर को या शाम के वक्त उस नीम तारीख कमरे में जाने पर अचानक ऐसा लगता था जैसे कोई जीती जागती लड़की सामने खड़ी है डर सा लगता था अंधेरा पड़े जब मिट्टी के तेल के बड़े बड़े लैंप जलाए जाते तो उनकी रोशनियों में झिलमिलाती ये तस्वीर और ज़्यादा अजब ड्रामाई और सुहानी सी मालूम होती थी सीतापुर की शामें भी बेहद सुहानी होती थी वसी और पुरफज़ा बाग पर वो पुरफसों खामोशी तारी होती थी जो यूपी और खसूस मशरक़ी यूपी के मौसम गर्मा की खसूसियत है जब फूलों और आम के दरख्तों की महक और घास की खुनकी और फजा की हिद्दत सब मिलजुल कर एक हो जाते हैं ऐसी ही एक शाम को हम सारे बच्चे लॉन में खेल रहे थे जब एक सैलोन कार बरसाती में आकर रुकी जिसकी खिड़कियों में चीनी रेशम के नीले पर्दे लगे हुए थे फौरन पर्दा गिराया गया और वो तस्वीर वाली गोरी चिट्टी रानी साहबा सहज सहज चलती घास पर आ गई तस्वीर में उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था बालों के गुफ्फे बने हुए थे और झालरदार ब्लाउज के साथ उन ना रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी जिस पर जड़ाव ब्रोच चमक रहा था ब्लाउज साड़ी और ब्रोच सब असली थे और बड़ी चाबुक दस्ती से तस्वीर पर चिपकाए गए थे लेकिन इस वक्त उनकी मांग सूनी थी और वो सफ़ेद रेशमी साड़ी पहने हुए थी एक एंग्लो इंडियन गवर्नस उनके इकलौते तीन साल लड़के की उंगली थामे उनके पीछे पीछे कार से बरामद हुई रानी साहिबा फूफी और फूफा के साथ बातों में मशगूल हो गई और हम बच्चों को वहां से हाँक दिया गया ये दमयंती देवी ऑफ रामकोट राज थीं जिनको उस रोज मैंने पहली मर्तबा देखा था मेरी उम्र जब कोई छः बरस थी उनकी वो कपड़ों वाली तस्वीर और उनका लॉन पर आना आज तक मुझे उसी तरह याद है उस वक्त राजा साहब के इंतकाल को साल भर हुआ था और इलाका कोर्ट में था पुप्पी से उनकी बहुत दोस्ती थी और पुप्पा उनका बहुत ख्याल रखते थे वो बेचारी जमींदारी के झगड़ों में घिरी हुई थी और रिश्तेदार उनकी मदद करने की बजाय उनसे मुकदमे लड़ रहे थे अदालती मामला की देखभाल की गरज से वो एंग्लो इंडियन गवर्नर से अंग्रेजी भी सीख रही थी दमयंती देवी खुद एक पाबंदे वज़ा तालुकेदार की बेटी थीं और पर्दे में रहती थी तकरीबन सात बरस बाद का जिक्र है मेरे हाई स्कूल के इम्तिहान होने वाले थे और मैं अक्सर पड़ोस की खाली कोठी के किसी ढंडार कमरे में बैठकर क्लासिकल मौसीकी के पर्चे के लिए ज़ोर ज़ोर से सबक याद किया करती थी जब आ, आ आ करते करते मेरा नाक में दम आ जाता तो कोई हल्का फुल्का गीत अलापना शुरू कर देती उस रोज़ मैं भोपाली के तान पलटे याद करने के बजाय नेहायत खुशु व खजू से का राय के ठाकुर रूठ गए हैं कैसे उन्हें मनाओं का वजीफा कर रही थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है मैंने पलटकर देखा कि तराशीदा बालों वाली एक बेहद स्मार्ट खातून बग़ैर आस्तीन के ब्लाउज और सफेद जाजट की साड़ी में मलबूस दरवाजे से लगी मेरी नगमा सराई सुन रही हैं और उनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम है मैंने तो उनको नहीं पहचाना मगर उन्होंने बराबर के पाटक पर वालिद के नाम का बोर्ड देख लिया था मैं झेप कर उठ खड़ी हुई तो उन्होंने कहा बेटा हमें पहचानी नहीं हम तुम्हारी बुआ की सहेली हैं, रानी साहब। मैंने हैरत से कहा हाँ बेटा अब हम तुम्हारे पड़ोसी हैं उन्होंने जवाब दिया उसी वक्त फर्नीचर का ट्रक बाहर आकर रुका और गोल खपाड़ा शुरू हो गया चलो हम तुम्हारे यहाँ सबसे मिलाएं, रानी साहेबा ने कहा मुलाजिम को चंद अहकाम देने के बाद वो बाहर आईं और मेरे साथ साथ बाढ़ फलान हमारे अहाते में दाखिल हो गईं। हमारे यहाँ उस वक्त पिछले बरामदे में सहपहर की चाय पी जा रही थी अभी रानी साहबा को बैठे दस पंद्रह मिनट ही हुए होंगे कि एक बेहद खूबसूरत नौजवान सीढ़ियों पर नमूदार हुआ उसने अदब से सबको तस्लीम की और रानी साहब से कहा मिश्रा साहब आपसे बात करना चाहते हैं अभी आते हैं और देखो सेक्रेटरी मदार बख्श से कहो वो भी ठहरे यस रानी साहब लड़के ने जवाब दिया और उल्टे पांव वापस हो गया दमयंती देवी फिर बातों में मसरूफ हो गईं, मगर उन्होंने जिस तहकुम और संजीदगी से उस लड़के को सेक्रेटरी कहा वो मुझे बहुत दिलचस्प मालूम हुआ क्योंकि दुबला पतला हसीन लड़का जो शक्ल से कश्मीरी मालूम होता था सेक्रेटरी किसी तरह न लगता था रानी साहब ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और वापस चली गई उस वक्त रानी साहबा कोई पैंतीस बरस की रही होंगी वो सेक्रेटरी से अंग्रेज़ी बोल रही थी इलाके का काम खुद संभालती थी फर्राटे से कार चलाती थी और मसूरी का सीजन बॉलरूम रक्स और ब्रिज में गुजारती थीं वो बावक़ार पर्दा नशीन बीबी -बी जिनको मैंने सीतापुर में देखा था वो बनारसी साड़ी में लिपटी हुई तस्वीर जो फुपा के लखनऊ वाले घर के ड्राइंग रूम में अब भी मौजूद थी उनमें और इस मॉडर्न खातून में बड़ा फ़र्क था सात साल में काया पलट गई थी दमयंती देवी सोसाइटी टाइप बन चुकी थी वालिद साहब आज़ादी निस्वा के जोशीले बरदार थे मगर उनको ये बेहद जदीद टाइप बहुत नापसंद था इस वजह से हमारी मुलाकात अबरानी साहिब से बहुत कम होती थी अक्सर उनके यहाँ से रात गए तक पार्टियों के शोर व की आवाज़ें आती रहती थी जब रानी साहिबा इलाके पर चली जाती तो उनका सेक्रेटरी उनकी गैर मौजूदगी में एक फिल्मी रिकॉर्ड बार बार बजाता आराम कहाँ दिल जो पढ़ा गैर के पाले मुफलिस को खुदा इश्क के फंदे में ना डाले अक्सर ग्रामोफोन की सुई एक जगह पर अटक कर मुफलिस को खुदा मुफलिस को खुदा मुफलिस को खुदा की तकरार करती जो कानों को सख्त नागंवार गुजरता मगर एक खासे ड्रामाई वाकये ने इस गुल कपाड़े का ख़ात्मा बिल खैर कर दिया एक रोज सुबह-सवेरे वालिद साहब अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि रानी साहिबा ने सरस्वती के आलम में दरीचे में से अंदर झांका और बोली बड़ा ग़ज़ब हो गया मेरे साथ चलिए फौरन बड़ा ग़ज़ब हो गया वालिद घबराकर फौरन बरामदे में गए सेक्रेटरी ने खुदकुशी कर ली फौरन मेरे साथ चलिए ओह माय गॉड अब तक मर भी चुका होगा ओह कह रहा था कह रहा था पटरी पर पट जालेटूंगा ओह हाँ ठहरिए मैं कपड़े तब्दील कर लूँ वालिद साहब बेचारे ने परेशानी से कहा नहीं नहीं ऐसे ही चलिए जल्दी रानी साहबा ने बदहवासी से जवाब दिया वालिद कमीज पाजामा पहने ही उनकी कार में बैठ गए और कार जन से फाटक से बाहर निकल गई उन्होंने जाकर बाराबंकी जाने वाले करीबी रेलवे लाइन का नाकाम जायज़ा लिया जहां रानी साहिबा के बयान के मुताबिक सेक्रेटरी ने जाने शीढ़ी जहाँ आफरी के सुपुर्द कर दी थी आखिर पुलिस चौकी पर उस गुमशुदगी की इतला कराने के बाद जब वो वापस लौटी तो मिश्रा जी उनके मुंशी ने पान चबाते हुए इतमान से खबर सुनाई कि सेक्रेटरी हजरतगंज के कॉफी हजरत हाउस में कहवा पीता और नमकीन मूंगफली खाता पाया गया है और ये भी कि कॉफ़ी में जहर नहीं मिला था इसके बाद वो होनहार नौजवान बिल्कुल गायब हो गया सेक्रेटरी के जाने के बाद दमयंती देवी बहुत दिनों तक अपने लान पर नजर नहीं आई डिनर और पार्टियां मौकूफ हुईं, उनके घर पर सन्नाटा सा छा गया गर्मियां निकली जाड़े आ गए एक रोज में पिछले बाग में एक दरख्त की शाख पर बैठी बहुत अरसे बाद ठाकुर गए हैं अलाप रही थी कि रानी साहेबा मेहंदी की बाढ़ के नजदीक आकर खड़ी हो गई, कुछ देर यूं ही चुप खड़ी रही और फिर अपने मकान की तरफ वापस चली गई इस दौरान में उनकी जाती कोठी बटलरगंज में तामीर हो चुकी थी चंद रोज बादल हो गई और मुद्दतों कहीं दिखाई न दी मजीद चंद साल गुजर गए नफीसा नामी एक लड़की बीए में मेरी हम जमात थी। उसकी जिन बुजुर्गवार से मंगनी हुई वो बड़े सख्त सोसाइटी टाइप थे मंगनी के बाद उन्होंने नफीसा और उसकी सहेलियों को एक डिनर पर मदू किया जो प्रोफेसर खोचड़ के घर पर दिया गया था प्रोफेसर खोचड़ यूनिवर्सिटी के एक नामवर साइंसदान थे उनकी लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं और उनकी ब्रिज पार्टियों में लखनऊ के सारे फैशनेबल रऊसा और उमरा आया करते थे नफीसा का मंगेतर हामिद जबरदस्त नॉप था और बात इस तरह शुरू करता था कि कल मैं और गौस मोहम्मद लेडी महाराज सिंह के यहां चाय पी रहे थे तो वहां लेडी सिरवास्ता मुझसे कहने लगी या इस वक्तबा मसूरी में हिजाइनस ऑफ वराज पिपला ने बताया कि लिहाजा जब हम लोग प्रोफेसर खोचड़ के वहाँ पहुंचे तो हामिद इस महफिल में इस तरह जा शामिल हुआ जिस तरह बत्तख पानी पर तैरने लगती है मुख्तलिफ राजाओं नवाबों और आईसीएस अफसरों के कंधों पर बेतकल्लुफ थपकिया लगाने और उनकी खवातीन की तरफ मुस्कुराहटें फेंकने के बाद वो उस गोशे में पहुंचा जहाँ एक तवील कामत खूबरू शख्स कॉकटेल का ग्लास हाथ में थामे आतिश दान पर कोहनी लगाए पोज बनाए खड़ा बाल्टी खोचड़ से बातें कर रहा था यार मंजूर हामिद ने करीब पहुंचकर कहा यार तुम परसों सर जेपी के लंच पर नहीं आए खानम जी भी मुझसे पूछ रही थी कि अपना मंजूर आजकल कहाँ गायब है मंजूर साहिब ने एक अबरू उठाकर अपनी बुलंदी से हामिद को देखा और मुस्कुराए हेलो यू सो एंड सो उन्होंने गंभीर आवाज में कहा <laughs> हामिद ने मंजूर साहब के कंधे पर हाथ मारकर कहकहा लगाया और दो चार बातें करके हमारी तरफ लौटा ये मंजूर साहब कौन है नफीसा ने पूछा अरे वो ही, वो ही कौन अरे भाई अपनी दमयंती के सेक्रेटरी दमयंती कौन नफीसा ने पूछा रानी साहेबा रामकोट राज मगर अब कुछ मकरूर सा हो गया है कम वक्त कौंसिल की मेंबर तो हुई हैं रानी साहेबा और दिमाग इसके आसमान पर चढ़ गए हामिद ने जवाब दिया अच्छे खानदान का लड़का है मगर जब मुफ्त का ऐश मिले तो हमारी तुम्हारी तरह मेहनत मजदूरी की इसे क्या जरूरत है हम लोगों के करीब बैठे हुए एक मेहमान ने कहा अरे भाई हमें तो कोई अपना सेक्रेटरी नहीं बनाता दूसरे मेहमान ने जो ज्यादा पी गए थे आंसू बहाते हुए कहा ये मुकालमा मेरी समझ में नहीं आया लेकिन चंद लम्हों बाद ही खाना शुरू हो गया और मंजूर अहमद साहब जब खाली प्लेटें बांटते हुए मेरे पास आए तो मैंने उनसे दमयंती देवी की खैरियत दरियाफ्त की मंजूर साहब ने बड़े अखलाक से बताया कि रानी साहिबा का लड़का रणधीर जो अब तक कालून तालुकादार कॉलेज में पढ़ रहा था एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कल अंबाले जा रहा है रानी साहिबा उसकी रवानगी की तैयारियों में मसरूफ हैं इसलिए यहाँ दावत में ना आ सकी इसके बाद मंजूर साहब मजमे में खो गए कुछ बरस और गुजर गए कोई दो तीन बरस उधर की बात है मैं अपने मेज़बानों शोभा और तल्लोक माथुर और शोभा की छोटी बहन नलिनी के साथ दिल्ली के मेडन्स होटल के एक तकरीबन सुनसान ड्राइंग रूम में आतिशदान के करीब बैठी थी बाहर कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था आतिशदान में तेज़ आग लहक रही थी और हम लोग कॉफ़ी ख़त्म करके घर जाने का इरादा कर रहे थे कि एक उम्र रसीदा अमरीकन जोड़ा करीब से गुज़रा उसके बाद सत्रह बरस से ऊपर की उम्र वाले अमरीकन सयाहों की एक पूरी टोली ड्राइंग रूम में से गुजरकर बराबर के कमरे में चली गई आजकल एंटीबायोटिक्स ने उम्रें बढ़ा दी हैं। वाफिर उम्र वाफिर दौलत इशरत क्या ज़िंदगियां हैं इन लोगों की तरलोक ने कहा एंटीबायोटिक के लफ्ज़ पर बायोकेमिस्ट्री मेरे जहन में आई जिसका नाम भी मेरे लिए नाकबले फहम है शोभा की बहन नलिनी बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर रही थी तुम किस मजमून पर रिसर्च कर रही हो मैंने जमाई लेते हुए उससे पूछा चूहे के जिगर पर खुदा का। नवा बुलबुल बुल के हो तेरे तरन्नुम से कबूतर के तने नाजुक में चूहे का जिगर पैदा तरलोक ने लहक कर कहा लेकिन मोहमल बात है मैंने उकताकर कर कहा मुझे जोर की नींद आ रही थी फिर ऐश तरलोक ने दोहराया गलत बिल्कुल गलत बिल्कुल ड्राइंग रूम के एक कोने से एक भारी आवाज बुलंद हुई हम लोगों ने चौंक कर उस तरफ देखा वसी कमरे के दूसरे सिरे पर एक स्टैंडर्ड लैंप के साय में एक हिंदुस्तानी और एक यूरोपियन जोड़ा ब्रिज में मसरूफ था हिंदुस्तानी खातून की पुश्त हमारी तरफ थी और उनके सफेद बाल जो जदीद फैशन के मुताबिक नीले रंगे हुए थे मध्यम रोशनी में चमक रहे थे भारी आवाज वाले हिंदुस्तानी मर्द ने पाइप की राख झटकते हुए हमारी तरफ सरसरी निकाह डाली मुझे उनका झुरियों वाला चेहरा जरा मानूस सा मालूम हुआ फिर वो कोशिश से छड़ी के सहारे उठे जरा लंगड़ाते हुए गैलरी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने बैरे को आवाज दी और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए वो खेल में डमी थे चंद लम्हों के बाद उन्होंने पहलू बदलकर अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली क्या बात है यूरोपियन औरत ने पूछा कुछ नहीं इंसान फानी है इसीलिए बार बार घड़ी देखता है उन्होंने उसी गंभीर आवाज में जवाब दिया कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया नीले बालों वाली जयीफा खामोशी से खेल में मुनहमिक थी बहरा अंदर आया उसने मशरूबात की कश्ती करीब की तिपाई पर रख दी और वापस चला गया इतने में खुश शक्ल नौजवान सुर्ख टर्टल नेक स्वेटर और स्या पतलून में मलबूस कोट कंधों पर डाले हवा के झोंके की तरह अंदर आया जरा अदा से चलता हम लोगों को निगाह गलत अंदाज से देखता हुआ वो ब्रिज टेबल के पास गया और पियानो से टिककर खेल देखने में मशगूल हो गया नीले बालों वाली खातून ने सर उठाकर बैठने का इशारा किया एक अदाए दिल बरी के साथ नौजवान ने नफी में सर हिलाया और पतलून की जेबों में हाथ डालकर दीवार पर लगी हुई तस्वीरें देखने लगा हम लोग घर जाने के लिए उठे और दरवाजे की समत जाने के लिए ब्रिज टेबल के पास से गुजरने लगे तो नीले बालों वाली खातून ने सर उठाया और तेवड़ी पर बल डालकर मुझे गौर से देखा अरे ये तो रानी साहेबा रामकोट हैं। शोभा ने आहिस्ता से कहा बेचारी का इकलौता लड़का पिछले साल हवाई जहाज के हादसे में मारा गया बेहतरीन पायलट था मैं उनके करीब गई चंद लम्हे मुझे देखते रहने के बाद वो पहचान गई और कुर्सी से उठकर मुझसे लिपट गई फिर उन्होंने मेरे खानदान वालों की खैरियत दरियाफ्त की मैं करीब के सोफे के हत्थे पर टिक गई रानी साहेबा ने ठंडी सांस भरकर कहा तुम्हारी बुआ से कभी कभार लखनऊ में मुलाकात हो जाती है जब से तुम्हारे फूफा का इंतकाल हुआ है वो कहीं आती जाती नहीं किसका इंतकाल हुआ है भारी आवाज वाले मर्द ने ताश समेटते हुए बेध्यानी से सवाल किया खान बहादुर साहब बेचारे का फिर वो मुझसे मुखातिब हुई मेरे साथ तो तुम जानती हो बिटिया उन्होंने सारी उम्र सगे भाइयों से बढ़कर सलूक किया अब मैं भी पहचान गई भारी आवाज वाले साहब मंजूर अहमद थे मगर अब वो बेहद दुबले पतले मरीज बदमिजाज और चिड़चिड़े से नजर आते थे रानी साहिबा बात करते करते उनकी तरफ उस तरह देख लेती थीं, जैसे बीवी अपने शोहर की बदमिजाजी बर्दाश्त करने की आदि हो जाती है मैंने तरलोक शोभा और नलनी का रानी साहिबा से तारुफ कराया रानी साहिबा ने डच जोड़े को हम लोगों से मिलवाया तुम्हारी बुआ बेचारी बूढ़ी हो गई हैं इतनी सुंदर थी जवानी में वो उसी उदास आवाज में कहती रही हम सब बूढ़े हो गए हैं मंजूर साहब ने झुंझलाकर उनसे कहा और जोर से पाइप झटकने लगे। सुर्ख स्वेटर वाला शकील नौजवान इठलाता हुआ आकर दोबारा खेल देखने में मसरूफ हो गया उसे देखकर दमयंती देवी के थके हुए चेहरे पर उजाला सा फैल गया आंखें जगमगा उठी अब नीले बालों के साथ उनमें एक खास वकार सा आ गया था डच मिया बीवी खामोश बैठे थे अब डच खातून ने लड़के को नजर भर के देखा और जरा हल्की सी सवालिया निगाह मंजूर साहब पर डाली मेरा रिप्लेसमेंट मंजूर साहब ने कुर्सी से उठते हुए डच जोड़े से कहा गोगल चट्टर रानी साहिबा के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर एंड मिसेस खानटोक नौजवान ने मुस्कुराकर सर खम किया और मंजूर साहब की कुर्सी पर बैठ गया मंजूर साहेब लंगड़ाते हुए एक तरफ को चले गए रानी साहबा फिर ताश में महव हो गई नो ट्रम्प थ्री हार्ट्स मैंने रानी साहबा को खुदा हाफिज कहा और दरवाजे पर पहुंचकर एक बार फिर कमरे पर नजर डाली कमरे में मुकम्मल सुकूत तारी था और एक मेज के गिर चार सर झुके हुए थे दमयंती देवी के नीले बाल जर्द रोशनी में झिलमिला रहे थे और वो और माफिया से बेखबर ताश में मुस्तरक हो चुकी थीं मंजूर अहमद वसी गहरे कमरे पर परछाइयों में कहीं गुम हो गए थे और असिस्टेंट सेक्रेटरी अपने घुंघरयाले बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने हाथ के पत्तों पर गौर कर रहा था जब हम लोग कमरे से बाहर निकले तो उन्नाबी बनारसी साड़ी और झालरदार ब्लाउज में मलबूस एक भोली सी लड़की दरवाजे में मुझसे टकरा गई। उसने बालों में गुच्छे से बना रखे थे और उसकी साड़ी में जड़ाव ब्रोच चमक रहा था मैंने चौंककर कर पूरी तरह खोली और शोभा ने कहा वाकई तुम तो तु नींद से लड़खड़ाए जा रही हो चलो जल्दी से घर पहुंचे चुनाचे हम लोग तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे